India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, यासीन मलिक को फांसी देने की याचिका का होगा परीक्षण। यासीन मलिक को नोटिस जारी। सॉलिसिटर जनरल ने माना दोष को दुर्लभतम मामला। बैंक से बिना पहचान पत्र के 2000 रुपए के नोट को बदलने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। आरबीआई की नोटिफिकेशन को दी गई थी चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को दी राहत। लोक अभियोजक द्वारा दायर मानहानि केस किया गया रद्द। कहा, कानूनी तौर पर गलत है फैसला। केरल हाईकोर्ट ने पशु बलि को बताया गलत। जानवरों की बलि देने के खिलाफ जांच का दिया आदेश। कहा, पशु बलि को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। Legal presents Courts Roundup. बैंक से बिना पहचान पत्र के 2000 रुपए के नोट को बदलने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना पड़ताल के पहचान पत्र के नोट बदलने के आदेश को चुनौती दी गई थी। उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग थी। ये याचिका बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 22 मई को दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पहचान प्रमाण की आवश्यकता के बिना 2000 के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। उपाध्याय ने प्रस्तुत किया था कि अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और अन्य भ्रष्ट व्यक्तियों या संस्थाओं की ओर से जमा किए गए नोटों के कारण प्रचलन में 2000 के नोटों का कुल मूल्य 3,11,000 करोड़ गिर गया था। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने मांग पर्ची या पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना नोटों के आदान प्रदान की अनुमति देना मनमाना और तर्कहीन था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने केवल उस प्रावधान का विरोध किया था जो पहचान के किसी प्रमाण के बिना मुद्रा के विनिमय की अनुमति देता है, क्योंकि उनका मानना था कि ये गैंगस्टर माफिया और उनके सहयोगियों को बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या रिकॉर्ड कीपिंग के अपनी मुद्रा का आदान प्रदान करने में सक्षम करेगा। आरबीआई ने 19 मई को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 2000 के नोटों को वापस लेने की सूचना दी गई थी और सलाह दी गई थी कि मुद्रा को अभी भी कानूनी मुद्रा माना जाएगा। आरबीआई ने सुझाव दिया कि लोगों को अपने नोट बैंक खातों में जमा करने चाहिए या बैंक शाखाओं में अन्य मूल्य वर्ग के लिए उनका आदान प्रदान करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पराग पी त्रिपाठी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि इसे जुर्माना लगाकर खारिज किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें अधिसूचनाओं को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई थी। आरबीआई की ओर से पेश
सीनियर एडवोकेट पराग पी त्रिपाठी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये एक वैधानिक कवायद है। उपाध्याय की ओर से उठाया गया कोई भी बिंदु किसी भी तरह के सार्वजनिक मुद्दों पर लागू नहीं होता है। त्रिपाठी ने आगे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें ये कहा गया कि आर्थिक नीति से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राजी नहीं किया जाएगा। आरके गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स एंड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामलों का हवाला दिया गया। याचिका में प्रतिवादी आरबीआई, एसबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की, हालांकि ये कहा गया कि मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगी। आरबीआई ने कहा कि लोग अपने बैंक खातों में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी बैंक शाखा में अन्य मूल वर्ग के नोटों में उन्हें बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर केरल हाईकोर्ट में पशु बलि मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अवस्थात अवैज्ञानिक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए, भले ही वो धार्मिक प्रथाओं के नाम पर किया गया हो। कोर्ट ने जानवरों की बलि देने के खिलाफ जांच का आदेश दिया और कहा कि पशु बलि को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ में केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। केरल हाई कोर्ट में पशु बलि मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सभी अस्वस्थ कर अवैज्ञानिक और हानिकारक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए, भले ही वे धर्म के नाम पर किया गया हो। अदालत ने एक निजी आवास पर पक्षियों और जानवरों की बलि देने के खिलाफ जांच का आदेश देते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस वी जी अरुण ने आगे निर्देश दिया कि अगर ये पाया जाता है कि अनुष्ठान करने के लिए एक पूजा स्थल का निर्माण किया गया था जिसमें जनता के सदस्य शामिल थे, तो उसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर ये पाया जाता है कि इमारत के परिसर में जानवरों और पक्षियों का वध किया जाता रहा है, तो केरल पशु और पक्षी बल निषेध अधिनियम के तहत भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मारे गए जानवरों का खून सड़क पर बह गया था और लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने कहा कि पूजा और अनुष्ठान करने के लिए आने वाले लोगों के वाहनों को अंधाधुंध तरीके से पार्क किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत पशुओं का वध निषिद्ध है और कर्म कांडों के बलिदान के हिस्से के रूप में वध करना केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 की धारा 3 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस, पंचायत और राजस्व अधिकारी ऐसी अवैधताओं के आलोक में कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। सरकारी वकील राजीव ज्योतिष जॉर्ज ने प्रस्तुत किया कि जब एडाथला पुलिस स्टेशन के पास हाउस अधिकारी द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई, तो निजी प्रतिवादी ने एक अड़ियल स्टैंड लिया और उसे अपने धार्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में मंदिर को संचालित करने की स्वतंत्रता है। राज्य ने कहा कि उसके बाद निजी प्रतिवादी को निर्देशित किया गया कि वह अपने पड़ोसियों को परेशानियों से बचाए और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करे। हालांकि निजी प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे और ये कि जिस स्थान पर पूजा आयोजित की जाती है वह देवस्थानम है न कि मंदिर। अदालत ने माना चूंकि अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता और अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन है, निजी प्रतिवादी द्वारा अनुष्ठानों का संचालन करके धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग सभ्य जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पशु बलि उनके धार्मिक विश्वास और अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर कि सभी अस्वास्थ्यकर और अवैज्ञानिक धार्मिक प्रथाओं को रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं एनआईए की यासीन मलिक को फांसी देने की याचिका पर परीक्षण करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट तैयार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करें।
ये कानूनी रूप से सही नहीं है। दरअसल एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि श्रीनगर में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या और केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी यासीन मलिक शामिल था। यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में दोषी ठहराया गया था और पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब परीक्षण करने को कहा गया है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मामले में प्रारंभिक संज्ञान और प्रक्रिया जारी रखने का आदेश खराब है, भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ओर से दायर मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने कहा कि मामले के गुण दोष में जाने बिना यह अदालत ये समझने में विफल रही कि अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान कैसे लिया, क्या आपराधिक मामले को मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय के समक्ष स्थापित और प्रयास किया जाना चाहिए। अदालत नेता प्रतिपक्ष और विधायक अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत की ओर से कहा गया कि लोक अभियोजक सिटी सेशन कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सिटी सेशन कोर्ट के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। ये देखा गया कि मामला विशेष रूप से विशेष मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य में सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विचारणीय है। जस्टिस चौधरी ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने न्यायालय के गठन के संबंध में और 2 के आधार पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को लिखित शिकायत वापस लेने और उचित अदालत में दायर करने के लिए स्वतंत्रता है। एनआईए की यासीन मलिक को फांसी देने की याचिका का परीक्षण करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट तैयार। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना ना करे, यह कानूनी रूप से सही नहीं। दरअसल एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि श्रीनगर में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या और केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी यासीन मलिक शामिल था। यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में दोषी ठहराया गया था और पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा उसे सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। आतंकी संगठन JKLF के नेता यासीन मलिक को ये नोटिस NIA की ओर से टेरर फंडिंग मामले में फांसी की सजा दिए जाने की मांग पर जारी किया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच की ओर से जारी नोटिस तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट के जरिए यासीन मलिक को भेजा जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को की जाएगी। NIA की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने तर्क देते हुए कहा कि देश के एक हिस्से को अलग करने की सोच अपने आप में एक जघन्यतम मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की उम्र कैद देने से ये मैसेज जा रहा था कि आप देश के खिलाफ और संगीन से संगीन गुनाह करके अगर कबूल लेते हैं तो फांसी से बच सकते हैं। यासीन मलिक ने बहुत शातिराना तरीके से कोर्ट में खुद का गुनाह कबूल कर लिया ताकि अधिकतम सजा से बच सके। तुषार मेहता ने कहा कि अगर ओसामा बिन लादेन पर मुकदमा चलाया जाता तो उसे भी अपना गुनाह कबूल करने की इजाजत मिल जाती। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि हम इसकी तुलना ओसामा बिन लादेन से नहीं कर सकते क्योंकि उसने कहीं भी मुकदमे का सामना नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सुनवाई की। NIA ने कहा कि यासीन मलिक ने निचली अदालत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सही बताया था। NIA ने कहा कि यासीन मलिक ने निचली अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को सही बताया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करे, ये कानूनी रूप से सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि IPC की धारा 121 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर मौत की सजा का भी प्रावधान है, ऐसे अपराधी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह लगातार सशस्त्र विद्रोह कर रहा था, सेना के जवानों की हत्या में शामिल रहा, कश्मीर को अलग करने की बात करता रहा, क्या ये दुर्लभतम मामला कभी नहीं हो सकता। मलिक वायुसेना के 4 जवानों की हत्या में शामिल रहा, उसके सहयोगियों ने तत्कालीन गृह मंत्री की
रूबिया सईद का अपहरण किया। उसके बाद उसके अपहरणकर्ताओं को छोड़ा गया, जिन्होंने बाद में मुंबई बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। इस मामले में यासीन मलिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। एनआईए ने कहा कि रिकॉर्ड में सबूत है कि वह कश्मीर पथराव में शामिल था और ये अफवाह कश्मीर में फैला रहा था कि हम भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा दबाए जा रहे हैं। जस्टिस मृदुल ने कहा कि यूएपीए की धारा 16 में उल्लेख है कि अगर कार्रवाई से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आजीवन कारावास के ऊपर मृत्यु दंड दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष या फिर CMDRF में राशि के दुरुपयोग का मामला लोकायुक्त और दोनों उपलोक आयुक्त की फुल बेंच को भेजने के लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। खंडपीठ में एक्टिव चीफ जस्टिस SV भट्टे और जस्टिस बसंत बालाजी ने यह स्पष्ट किया कि अदालत याचिका को खारिज नहीं कर रही, लेकिन अगले सप्ताह इस पर विचार करेगी। इस बीच याचिकाकर्ता के वकील की ओर से यह प्रस्तुत करने पर कि मामले पर विचार करने के लिए 5 जून को 3 सदस्यीय पीठ बुलाई जाएगी, अदालत ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की शिकायत RS लोकायुक्त के समक्ष राज्य सरकार की ओर से निर्णय रहे। नंबर एक, सबसे पहले स्वर्गीय विजयन के परिवार को CMDRF से कुल 25 लाख रुपए की राशि मंजूर करके उनके मेडिकल खर्चों और उनके 2 बच्चों के शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता देना। दूसरा, दिवंगत एडवोकेट KK रामचंद्रन नायर विधायक द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए लिए गए कर्ज के बकाया को चुकाने और उनके बेटे को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए CMDRF से आवश्यक राशि स्वीकृत करना। तीसरा, CMDRF से दिवंगत सिविल पुलिस अधिकारी P प्रवीण के कानूनी उत्तराधिकारी को 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की। यह भी आरोप लगाया गया कि उत्तरदाताओं में लोक सेवा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईमानदारी का अभाव था। शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनवाई योग्य होने के मुद्दे का निर्णय करने के बाद लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के सदस्यों ने अपना कार्यालय छोड़ दिया और अंतराल के बाद रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्तियां की गई। विस्तृत सुनवाई के बाद सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए मामला 18 मार्च 2022 को आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया। हालांकि एक वर्ष बीत जाने के बाद चूंकि मामला आदेशों के लिए आरक्षित है, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि आदेश पारित करने में देरी के परिणाम स्वरूप लोकायुक्त की मशीनरी में विश्वास की हानि हुई है, जैसा कि पर्याप्त सबूतों से स्पष्ट होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 को लोकायुक्त ने इस मामले पर फुल बेंच की ओर से विचार किए जाने का हवाला देते हुए अपना आदेश जारी किया। ये उसी के खिलाफ है कि याचिकाकर्ता ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और आदेश पर रोक लगाने की मांग की। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तब भी बैंक कर्मी आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। कर्जदारों को भी सरकार ने कुछ अधिकार दिए हैं। दरअसल कर्जदारों की प्रॉपर्टी नीलाम करने से लेकर नोटिस देने तक के नियम तय हैं। अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इन नियमों की जानकारी आपको देंगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तब भी बैंक कर्मी आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। बैंक को वो राशि पाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जनरली पेमेंट अगर 90 दिनों तक ड्यू रहती है तो ऐसे बोरोवर को बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देते हैं। ऐसे में लेंडर को 60 दिनों की ड्यूरेशन वाला नोटिस जारी करना होता है। अगर इस नोटिस के बाद भी बोरोवर बैंक को पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो फिर बैंक उसकी एसेट को सेल कर सकती है। हालांकि प्रॉपर्टी सेल करने के पहले भी बैंक को पब्लिक नोटिस देना होता है। ये 30 दिन पहले दिया जाना चाहिए। बोरोवर के फंड ना चुका पाने की सर्कमस्टांसेस में उसकी प्रॉपर्टी सेल की जाती है। हालांकि ऐसा करने के पहले भी बैंक को बोरोवर को नोटिस देना जरूरी है। ऐसे में एसेट की वैल्यू जो बैंक ने निकाली है उसकी जानकारी दी जाती है। अगर बोरोवर को ये लगता है कि प्रॉपर्टी कम में ऑक्शन की जा रही है तो वो ऑब्जेक्शन ले सकता है और वो एक अच्छा काउंटर ऑफर लाकर अपनी बात को जस्टिफाई करा सकता है और बैंक का डिसीजन चेंज करा सकता है। उधर गुजरात हाईकोर्ट ने कैदियों को जमानत दिलाने में मदद करने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया है। यह निर्णय मेडिकल उपचार के लिए अस्थायी जमानत की मांग करने वाले कैदियों के 2 आवेदनों से प्रेरित था, जिसके कारण अदालत को शामिल मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता की जांच करनी पड़ी। जस्टिस MK ठक्कर की पीठ में पाया गया
कि प्रस्तुत किए गए दोनों सर्टिफिकेट ड्रीम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से और दूसरा हरि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से डॉक्टर एम एल पटेल के नाम और मोहर के साथ है। पीठ ने कहा कि डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री होने के बावजूद उसने सर्जरी के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जिसे करने के लिए वो योग्य नहीं था। पिछले उदाहरणों पर भी ध्यान दिया गया जहां पर डॉक्टरों ने विभिन्न अस्पतालों के नाम का उपयोग करते हुए इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए। पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें ड्रीम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से जारी सर्टिफिकेट और एमबीबीएस डिग्री और यूनाइटेड किंगडम में रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के सदस्य के उल्लेख पर सवाल उठाया गया। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि डॉक्टर को अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने में कैदियों की सहायता करने के लिए विभिन्न अस्पतालों यानी आरजू हरी और ड्रीम्स के नाम पर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की आदत थी। जस्टिस थक्कर ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर महेंद्र एल पटेल अलग अलग अस्पताल के नाम पर अलग अलग पते पर यह फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। डॉक्टर पटेल की ओर से जारी सर्टिफिकेट को पुलिस आयुक्त सूरत की देखरेख में संबंधित जांच अधिकारी की ओर से सत्यापित और जांचा जाए जिससे तथ्यों का खुलासा हो सके। पीठ ने संबंधित जांच अधिकारी को पुलिस आयुक्त सूरत की देखरेख में डॉक्टर एम एल पटेल की ओर से जारी किए गए सर्टिफिकेट को सत्यापित करने और जांच करने का निर्देश दिया जिससे सही और सही तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखा जा सके। इस मामले को अब 8 जून को सूचीबद्ध किया जाएगा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कर्नाटक के मैसूर से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। इनोवा और बस में भीषण टक्कर जिसमें बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मैसूर के पास केटी नरसिंहपुरा की घटना, कर्नाटक के मैसूर में एक बड़ा हादसा हुआ। मैसूर के पास केटी नरसिंहपुरा में एक इनोवा और निजी बस के बीच ये भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक इनोवा कार में 2 बच्चे समेत 11 लोग सवार थे। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इनोवा कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले कर्नाटक के कोप्पल जिले के कुशली तालुक में रविवार की शाम एक कार और लॉरी के बीच में भीषण टक्कर हुई थी जिसमें 2 बच्चों और एक महिला समेत कुल 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा कालकिरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी मृतक विजयपुरा के रहने वाले थे और वो कार से बेंगलुरु की ओर जा रहे थे, जबकि लॉरी तमिलनाडु से गुजरात की तरफ रवाना हुई थी। और ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के मैसूर में हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में इनोवा गाड़ी के परखच्चे उड़ गए